साथियों, जब भारत की संस्कृति की बात आती है तो न जाने क्यों कांग्रेस के मुंह पर वोट बैंक का ताला लग जाता है। ध्यान रखिएगा, इनकी मानसिकता क्या है। रामायण और महाभारत को दिन रात गाली देने वालों के समर्थक आज भी ये महामिलावटियों के बीच में है। भगवान का नाम लेने पर जेल भेजने की मानसिकता, ये मानसिकता वाले लोगों के साथ ये लोग मंच पर बैठ करके हाथ पकड़ कर करके नाचते हैं। साथियों, इन लोगों को पाकिस्तान की हरकतें पसंद है, लेकिन देश के गौरव को स्थापित करने वालों को ये दिन रात गालियां देते हैं। पाकिस्तान से तो वो इनको इतना लगाव है कि ये भारत की कुशलता का श्रेय भी पाकिस्तान को देते हैं। आप याद कीजिए, एयर स्ट्राइक के बाद, याद है ना, याद है कि नहीं है, एयर स्ट्राइक के बाद जब भारत ने आतंकियों को घर में घुसकर मारा, तब हमारे एक वीर सपूत को पाकिस्तान ने कब्जे में ले लिया था। 48 घंटे के भीतर भीतर पाकिस्तान को उसे छोड़ना पड़ा था। वाघा बॉर्डर तक विदाई देने आना पड़ा था। और तब आपने उनकी मुंडी देखी होगी टीवी पे। आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? आपका सीना चौड़ा हुआ कि नहीं हुआ? आपका माथा ऊंचा हुआ कि नहीं हुआ? भारत की आन बान शान इसका अनुभव हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन ये कांग्रेस और उसके राग दरबारियों ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के नाम के कसीदे पेटना शुरू कर दिया। यहां तक कह दिया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के लिए नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। भारत की कूटनीतिक सफलता से हमारा सपूत सकुशल वापस आया, लेकिन कांग्रेस और उसके राग दरबारी पाकिस्तानी सरकार का गुणगान करने लग गए। साथियों, यही इनकी सच्चाई है, बल्कि इन्होंने तो उल्टा भारत की संस्कृति और परंपरा को बदनाम करने का अभियान छेड़ा हुआ है। साथियों, पानीपत के पास जब समझौता एक्सप्रेस में ब्लास्ट हुआ था, याद है आपको? याद है कि भूल गए? कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद का झूठ गढ़ने के लिए निर्दोष लोगों को सालों तक जेलों में बंद रखा था। लेकिन कांग्रेस के इस झूठ का
इस साजिश का पर्दाफाश हो गया। साथियों, कांग्रेस द्वारा हमारी हजारों वर्ष पुरानी महान संस्कृति को दाग लगाने की कोशिश में असली आतंकवादी, इनको बचने का इन्होंने रास्ता खोल दिया। भारत को बदनाम करने वाली कांग्रेस को देश कभी माफ नहीं करेगा।